हेलो गाइस, नमस्कार, आई एम रॉनित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द बॉन्ग कनेक्शन। आज मैं तैयार करने वाला हूँ राज द रिविजिट बाय ओनली देसी। इससे पहले मैंने कहो ना प्यार है प्यार किया था रिविजिट, जिसने मेरी हालत खराब कर दी थी हंस हंस के, क्योंकि यू नो इट वाज माय वन ऑफ माय फेवरेट ऋतिक रोशन मूवीज ऑफ ऑल टाइम। इट्स ऋतिक रोशन फर्स्ट मूवी, ऑफ कोर्स इट्स क्लासिक, दो इट हैज नॉट एज्ड वेल बट स्टिल यू नो। बट यस, आई एम येट अगेन हियर वॉचिंग वन ऑफ द ओनली हॉरर मूवीज which is known for its horror genre, you know, horror factor in Bollywood. So that is Raaz. So usko bhi aaj khatam karne wale hain Onli Desi ji. So I'm ready. In 3, 2, 1, and go. It all begins when a girl was dared to kiss her boyfriend and she gives him a big love bite. Aur abhi a mystery professor Agni ko solve karni hogi. Ab aapka koi desh chuka jo tumse kuch kehne ki koshish kar raha ho. Nahi. तुम्हें ऐसा नहीं लगा जैसे कोई तुम्हें हाथ पकड़ कर कहीं ले जा रहा हूं और तुम्हारा अपने ऊपर कोई वश नहीं? उसके पास जाने पर तुम्हें उसके चेहरे में किसी दूसरे का चेहरा नजर आए? नहीं। उसकी आंखों में तुम्हें प्यार की जगह कोई वश नजर आए? इससे तो यह लगता है कि यह काम किसी इंसान का नहीं, यकीनन किसी बुरी आत्मा का काम है। What? He said no. Woman. What a conclusion. A movie directed by Vikram Bhatt, written by Mahesh Bhatt, produced by Mukesh Bhatt, cinematography by Praveen. अरे तुम्हारी माँ का acting नाचना गाना भी अपने भाट समाज वालों से ही करवा लेते हैं। But in 2002, a pretty good horror movie was made. जिसके बाद वैसा ही कुछ बनाने के चक्कर में विक्रम भट्ट अभी तक 10-12 टट्टी बना चुके हैं। Come on, Vikram Bhatt. There is not going to be anything like the original. Raaz. For years, Raaj franchise proof कर रही है कि एक hit horror movie बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि big budget हो, foreign location हो, superstar cast हो, unique story हो, बस दो तीन अच्छे गाने डाल दो, चूतिया public पहुंच जाएगी theater. But the original had much more to offer, like some really horny dialogues. आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी, पर आज की रात तरसने की नहीं, बरसने की रात है. Oh damn. कब से प्यासी जमीन पे बारिश की बूंद तक नहीं गिरी. अरे अरे बच्चे भी देख रहे हैं। ओके, मीट संजना और उसका रोना। सीरियसली, मूवी शुरू करके कहीं भी रोक दो, ऑल यू सी इज आफ्टर अ ह्यूज कार एक्सीडेंट संजना इज फाइन, इनफैक्ट बहन को तो स्क्रैच भी नहीं आया, जस्ट लाइक दैट रेड कार जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ, वो कार तो हील ही भी नहीं यार, ऐसा कौन सा हैंडब्रेक लगा था। And in this 5-star hospital, they decide to go Ooty. So be ready to fall in love again in Ooty. जहाँ संजना को याद आता है कि किस तरह शादी से पहले अदित्य उसके लिए खाना बनाया करता था और बदले में वो उसका मूड बनाया करती थी, किस तरह उन्होंने बड़े धूमधाम से गर्मी के मौसम में शादी की थी। एंड में नो गर्मी थी क्योंकि ये भैया को 5 मिनट के बाद तुम सोच भी नहीं सकते वहाँ वहाँ से पसीना आ रहा है। अरे कोई पंखा चालू कर दो यार। Man, but this guy got some moves. Don't do them dirty like this, uncle. लेकिन ये घर इस कपल से कुछ कहना चाहता है कि भाई दरवाजे की थोड़ी ऑयलिंग करवा दोगे तो तुम्हारे बाप का कुछ चले जाएगा। Tell me one haunted house जिसके डोर में से वाली आवाज नहीं आती। और जल्दी ही सबको पता चलता है कि उन्हें अंधेरे में रखा गया है। Literally, there is not a single shot in the movie जहाँ पे उन्होंने रूम की लाइट्स ऑन किए हो। पंचों को पता है भूत आ रहा है, गणपति में देखने भी जाएंगे लेकिन लाइट्स ऑन नहीं कर रहे हैं। यार कौन से हॉस्पिटल का रूम ऐसा दिखता है बताओ, पेशेंट है, कोई देवी माँ नहीं है, लेकिन इस अननेसेसरी अंधेरे में कुछ है जो हमेशा इन सब के आसपास है। एंड दैट इज द नाइट लैंप्स। देयर आर लैंप्स इन फ्रंट ऑफ पीपल, बिहाइंड पीपल, बिसाइड पीपल, अराउंड पीपल, इट्स एवरीवेयर। लेकिन एक बुरी आत्मा संजना को डराने की कोशिश कर रही है बाय ब्लोइंग हेयर ड्रायर बिहाइंड हर। Come on man, you're a ghost, you can do better than this. देखिए किस तरह सोनिया को विंडोज से लाइट आती हुई दिखती है और आधी रात को as a grown woman she is like light, no light, light, no light, light, no light, light, no light, light. And if you think that's dumb, then wait till she goes. चलो देखते हैं एक कान में लाइट डालने से दूसरे कान से निकलती है। आधी रात को कोई जंगल में चिल्ला रहा है and you don't even have a weapon. और ऐसे में she will do the most logical thing in this situation.
चलो अकेले देख के आते हैं क्या हो रहा है। तेरा बाप बट संजना इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी गोस्ट। And then she decides to sleep outside her own house. Then soon she finds out that it's a ghost of Malini. She's a daughter of Colonel Malik, who really needs to trim his eyebrows. Oh, seriously, God. Itne lambe to main apne niche ke baal bhi na hone dun. What? Who the bloody hell are you? Dekhi kis tarah Malini Aditya se help mangti hai. Uske baad Aditya jo upar se niche tak uski help kiya hai. Kabhi aage se help, kabhi piche se help, din mein help, raat mein help. Ankita ke story mein focus kar, story mein focus kar. Sorry. Aur ghar pe aane dene ke baad मालिनी वो करती है जो हम सबको एक स्ट्रेंजर के घर पहली बार जाने पे करना चाहिए, कपड़े उतार के नंगे हो जाओ। फिर वो आदित्य से दोबारा एक रोड के बाजू में मिलती है जहाँ मालिनी वो करेगी जो हम सबको ओपन में करना चाहिए, कपड़े उतार के नंगे हो जाओ। बट बिफोर एवरीथिंग मालिनी आदित्य को वार्न करती है, जस्ट लाइक हाउ नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियोस एएलटी बालाजी हॉटस्टार टिकटॉक नहीं पॉर्नहब यूट्यूब लव लसन ट्राइंग टू वार्न अस दीस डेज। And just like all of us chogus right now. बर्बाद होना चाहता हूँ। But Malini is straight up psycho. Seriously, imagine you're drinking water and your girlfriend is like, and this bitch is not even ghost yet. And if you're watching it with your kids, they're about to learn some new words. उस कुतिया का कुतिया। और ये सब देखने के बाद आदित्य को उसकी वाइफ याद आ जाती है। संजना मेरी बीवी है। उसका हक मेरे जिस्म और मेरी रूह पे इस जन्म में नहीं। रहेगा। अरे भरवे तो उस दिन क्यों बोल रहा था? मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। But soon Sanjana finds out everything. मेरे ही बिस्तर पे एक रंडी के साथ रंगरलियाँ मनाने के बाद भी अगर तुम ये चाहते हो कि इसका कुछ भूल कर तुम्हें अपना लूँ, तो तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, because that's exactly what she does. You're supposed to divorce him for cheating and hand him over to police for what he's done. Now the only person who can stop Malini is Professor Agni, who has PhD in chemistry. जिनके लिए नींबू जैसे केमिस्ट्री लैब का पीएच पेपर हो, अगर हरा है तो सब नॉर्मल है, लाल हो गया तो भूत है, ऑरेंज हो गया तो नीचे डेड बॉडी है। और अब आदित्य को बचाने के लिए उन्हें मालिनी का अग्नि संस्कार करना होगा। अग्नि संस्कार के बाद आप चाहे ना चाहे उससे मुक्त होना ही पड़ता है। क्रिश्चियन लोगों को तो मुक्ति ही नहीं मिलती होगी। एंड नाउ दे हैव टू फाइंड मालिनी'स बॉडी। और लकीली आज प्रोफेसर अग्नि घर से जेब में एक नींबू लेके ही निकले थे। एंड फाइनली दे फाइंड व्हाट लाइज बीनीथ। You see what I did there? But then he gets possessed by the fresh pair of contact lenses. Really? Yeah, this is the scary to Ashutosh Rana Sanghash Meda. Man, that shit still haunts me. After Sanjana ka thoda aur rona karne ke baad Agni Sanskar ho jata hai. Oh wait, Agni Sanskar, Professor Agni. Oh, I see what they did there. And just like the original. Aditi se police ko phone karwa ke surrender karwane ke bajaye Sanjana leaves you with a better message to take away from this movie. Pyar ke is imtihan se guzarne ke baad hi mere suhag ke rang mein asli nikhar aaya. So all the husbands, agar tumko apne rang mein asli nikhar chahiye, make sure you cheat on your wife. What a dumb bitch. Oh, hello DCs. If you enjoyed the video, make sure you hit that like button. Subscribe because I upload, you know, very frequently. And follow me on Instagram at only_DC. And always remember, main tumse bahut pyar karta hoon. मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, है कि तुम मुझसे पर्दा करो, अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। माय गॉड, दैट इज फनी एज़ हेल। सो Actually, if you see this movie again now, then you will understand कि जो भी चीजें दिखाई गई आधे से ज्यादा तो VFX मतलब बहुत ही घटिया वाली है। उसके बाद कुछ सीन्स आर गुड, यू नो, एंड दैट स्क्रीम, दैट वॉज रिंगटोन ऑफ मेनी पीपल। कैन यू बिलीव इट? पीपल यूज टू कीप इट एज अ रिंगटोन। एंड आई रिमेम्बर हम लोग पढ़ने गए थे कभी ट्यूशन पे और अचानक से किसी का फोन बजा एंड यू आर सो स्केयर्ड, मेरे हाथ से कॉपी गिर गई एंड वी लाइक स्टार्टेड कर्सिंग दैट गाय। आई डोंट नो व्हाई ही केप दैट एज अ रिंगटोन। ओह माय गॉड, नो, पीपल वर रियली रियली क्रीपी बैक देन। एनीवे, आई रिमेंबर दिस, लाइक आशुतोष राणा की आंखें जब सफेद हो गई थी, मैं जब बचपन में जब देखता था आई वाज शिट स्केयर्ड। आई यूज्ड टू लाइक ऑलमोस्ट पी माय पैंट्स व्हेनेवर आई यूज्ड टू वॉच दिस मूवी एज अ किड। लेकिन बड़े होने के बाद अगर मैं अभी देखता हूं ना कि मैं रियली, दैट एक्चुअली मेक्स सो मच सेंस। विपाशा की आवाज जैसी चेंज हुई है ना, इस मूवी का इम्पैक्ट वैसे चेंज हुआ है। अभी अगर देखोगे रास्ते, यू विल डेफिनेटली नॉट गेट स्केयर्ड।
But yeah, definitely it's a classic movie. Bachpan mein, it used to scare the shit out of me and all the other kids like me. And I'm pretty sure you guys were really, really scared when you watched it for the first time. And then there was definitely 1920. I think 1920 is a pretty good movie. And though that movie is also not perfect, it still is relevant nowadays. Even if you watch it now, there are pretty good scary scenes in that movie, especially the acting. Bipasha was, of course, the goddess for these kind of roles. Every horror movie, Bipasha should be there. But Adha Sharma, for her first film, her debut film, she did a fabulous job. She was possessed, and the way she acted, you remember that? That used to give me heebie-jeebies, okay? So, mujhe pata hai, us hisab se Adha Sharma outdid herself, you know, outdid Bipasha in every aspect. So yeah, I will prefer that film definitely, because it still has a really, really great story, even better than this one. Even better than this one. So guys, if you guys enjoyed my reaction to this, please put a thumbs up and now do your thoughts and suggestions. Subscribe to my channel, dhe sara pyar baati hai, aur please, har hafte dekhne ke liye ready rahiye, aur share kariye pyar. Okay, shut up.